नमस्कार दोस्तों, घर की निगेटिविटी को किस तरह से पॉजिटिविटी में बदलें जिससे घर के लोग हमेशा स्वस्थ रहें और घर आपका खुशियों से हमेशा भरा रहे, जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों बात करते हैं निगेटिविटी की। निगेटिविटी बहुत ज्यादा तरीकों से हमारे घर में प्रवेश करती है, हमारे जीवन में प्रवेश करती है। हम अपने आप से भी बहुत जगह से नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं घर के मुख्य दरवाजे से। अगर घर का मुख्य दरवाजा पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे मुख्य दरवाजे से होता है, तो वहां से नेगेटिविटी भी प्रवेश करती है। अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने कचरा रखते हैं, जाला लगा होता है, डस्टबिन रखा होता है, या जूते चप्पल उतार करके अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने रख देते हैं, इससे भी आपके घर में हमेशा निगेटिविटी प्रवेश कर जाती है, घर की ग्रोथ रुक जाती है। ये ध्यान रखिए कि छोटी छोटी चीजों से ही हमारे घर के सदस्यों की, बच्चे की, पति की ग्रोथ शामिल होती है। हम इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हम कौन सी ऐसी छोटी सी गलती कर देते हैं जिससे की वजह से हमारे घर के सदस्य की, बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे को साफ रखिए, वहां पर किसी तरह का क्लटर नहीं होना चाहिए। अपने घर को खूब अच्छी तरह से, अपने मुख्य दरवाजे को सुसज्जित रखिए, सजा कर रखेंगे उसी घर में पॉजिटिव एनर्जी भी प्रवेश करती है और उसी घर में लक्ष्मी जी भी प्रवेश करती हैं। अब बात करते हैं घर के अंदर की। तो घर के अंदर वैसे तो सभी लोग अपने घर को साफ सुथरा ही रखते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हर 10-15 दिन में जो भी सामान आपने इकट्ठा करके रखा है, चाहे कबर्ड में हो चाहे अलमीरा में आपने सामान रख दिया है, उस चीज को आप पलट के ऊपर नीचे करके साफ सुथरा करते रहिए जिससे जो भी बुरी एनर्जी कभी भी वहां पर अगर रह जाती है तो अगर आप साफ सुथरा कर देते हैं और वहां पर थोड़ा कपूर रख देते हैं तो वहां की जो बुरी एनर्जी है, निगेटिविटी है, वो रिमूव हो जाती है। इसके साथ ही बहुत तरीकों से व्यक्ति अपने घर में अट्रैक्ट भी कर लेता है निगेटिविटी। जैसे आजकल मॉडर्न आर्ट के नाम से बहुत ज्यादा लोग ऐसा पिक्चर है, पेंटिंग है या स्टैचू ऐसा ले आकर रख लेते हैं अपने घर में जिसकी मीनिंग कुछ अलग ही निकलती है। ऐसी रोनी सूरत वाली होती है, आंसू गिर रहा होता है, परेशान रहती है, या किसी का आधा चेहरा दिख रहा होता है, आधा छुपा हुआ होता है। इस तरह की अगर पेंटिंग, दुखी आत्माओं की पेंटिंग ले आकर अपने घर में लगा लेते हैं तो भी आपके जीवन में परेशानियों से घिर जाता है, क्योंकि जो चीज हम अपनी निगाहों से देखते हैं वही चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वही चीज हमारे जीवन में अट्रैक्ट भी होता है। तो हमेशा इस तरह की पेंटिंग अपने घर में, स्टैचू रखें जिसको देख करके अगर हम दुखी भी हो कुछ क्षण के लिए, व्यक्ति हमेशा खुश नहीं रहता है, कभी कभार अगर किसी भी प्रकार का दुख भी हो तो अगर ऐसी पेंटिंग है जिसको देख करके मन प्रफुल्लित हो, मन खुश हो जाए, इस तरह की चीजें अपने घर में रखें जिससे आपके घर में हमेशा खुशियां अट्रैक्ट हो, परेशानियां हमेशा आपके जीवन से दूर हो जाए। इसके साथ ही आपको क्या करना है, हफ्ते में 2 बार कम से कम आपको सॉल्ट से पोछा लगाना है, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन। एक वास्तु सॉल्ट आता है, अगर इसको लेकर के आप अपने घर में 2 चम्मच हर हफ्ते में 2 बार, 2-2 चम्मच, 3-3 चम्मच डाल करके आप अगर एक घर में पोछा लगाते हैं तो किसी भी तरह की अगर निगेटिव एनर्जी होती है वो निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और परेशानियां खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर निगेटिव एनर्जी होती है तो हमेशा ये देखेंगे कि पति पत्नी में जमता नहीं, दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं चूहे बिल्ली की तरह, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चों की शादियां नहीं होती हैं, कुछ न कुछ अड़चन आ जाती है घर में। अगर बच्चे शादी करने के लायक हैं, बात चलती है, बात चलने के बाद रुक जाती है, पता नहीं चलता कि इसका रीजन क्या है। तो यही सब छोटे छोटे कारण होते हैं जिसकी वजह से परेशानियां क्रिएट होती हैं। तो आप अपने घर को जो निगेटिविटी से फ्री रखें, हमेशा अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी का समावेश हो ऐसा चीज करें। पॉजिटिव एनर्जी के लिए आप गायत्री मंत्र का, आप एक छोटी सी मशीन आती है उसका लेकर के हमेशा उसको चालू रखें, इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का समावेश होगा। और आप पोछा, जैसे मैंने बताया, नमक डाल करके पोछा लगाइए। आप अपने घर में कपूर का इस्तेमाल जरूर करिए। अगर आपको पैसे की समस्या हमेशा लगी रहती है
तो आपका जो साउथ ईस्ट का जोन है, उस साउथ ईस्ट के जोन में आपको कपूर की टिकिया को जरूर जलाना है, उधर जला कर रखिए। एक आपको दीपक लेना है शाम के वक्त, अगर आप साउथ ईस्ट जोन में जाकर के जलाना शुरू कर देते हैं, इससे भी आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का समावेश होगा और साथ ही जो पैसे का क्रंच हमेशा लगा रहता है वो दूर हो जाएगा। ये छोटी छोटी वास्तु की चीजें हैं, अगर इसको आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी, हमेशा आप खुशियों से भरे रहेंगे, आपका परिवार तरक्की करेगा, फलेगा फूलेगा। ऐसी छोटी छोटी जानकारी के साथ मिलते रहेंगे। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस तरह की छोटी छोटी चीजें हमेशा बताते रहते हैं, मैं हमेशा रोज एक शॉर्ट जरूर डालती हूँ छोटी छोटी रेमेडी से, तो उसको भी देखिए और अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। अगली बार इसी तरह की जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।